हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की हिंदी। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर वन हमने यहाँ पर किया भाषा और व्याकरण। व्याकरण से हमने देखा कि व्याकरण के तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो दो चैप्टर नंबर टू यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जिसमें आपने वर्ण विचारों को पढ़ा था और हमने स्वरों और व्यंजनों के बारे में यहाँ पर कुछ जाना था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं और स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं और व्यंजकों के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, वाक्य भाषा जो है वाक्यों के मेल से बनी होती है और वाक्य जो है शब्दों के मेल से बना होता है और शब्द जो है वर्णों के मेल से बना होता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया है, चंद्रमा निकल आया। यहाँ पर चंद्रमा निकल और आया है, ये चार यहाँ पर शब्द हैं और इन शब्दों का भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वर्ण विचार, इनको वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि हर वर्ण को आप अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने जैसा कि आपको बार बार बताया कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप में आप उनको इस प्रकार से हलंत के साथ लिखते हैं। तो ये है इसका वर्ण विचार। इसी प्रकार जो है शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की जो है ध्वनियां उच्चारित होती हैं। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो इसे वर्ण कहा गया अथवा अक्षर कहा गया है। तो वह छोटी सी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसको कहा जाता है वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। इसके बाद हमने वर्णमाला यहाँ पर देखा कि वर्णमाला में आपके कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 11 स्वर हैं, 33 यहाँ पर आपके व्यंजन हैं, ठीक है। इसके बाद योग वाह में आपके अंग और अह आ जाते हैं। इसके बाद चार यहाँ पर आपके संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन हैं, जिनको आप संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके यहाँ पर दो अतिरिक्त वर्ण हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपके वर्णों का यहाँ पर विभाजन किया गया है, 11 स्वर हो गए, दो अयोग वा हो गए, इसके बाद 33 आपके व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन आपके चार हैं और अतिरिक्त वर्ण आपके दो हैं। तो यहाँ पर कुल ये हैं 52 आपके यहाँ पर क्या हो गए हैं, वर्ण हो गए हैं। अब वर्णों को विच्छेदित किया गया है, वर्णों को भी यहाँ पर भेद किया गया है। दो प्रकार के यहाँ पर वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पर स्वरों को हम पढ़ा था हमने, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तीन इसके भेद किए थे, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ा था। तो ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसको ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा उसको आप दीर्घ स्वर कहेंगे, और प्लुत स्वर जिसमें एक लंबी आवाज यानी कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और एक लंबा जब आप जोर से आवाज मारते हैं लंबी, जैसे ओम करके, यानी कि उच्चारण इसका लंबा जाएगा, तो ये आपका प्लुत स्वर है। यहाँ पर ह्रस्व में आपके चार आ जाते हैं, दीर्घ में आपके सात आ जाते हैं और प्लुत में आपके इस प्रकार से कई प्रकार के आपके स्वर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो है प्लुत स्वर का जो है अभी उच्चारण नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब जो है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। इसके अलावा देखते हैं, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और किस प्रकार से हम मात्राओं को लगाते हैं ये भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो कुछ यहाँ पर याद रखने वाली चीजें क्या क्या थी कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जो भी व्यंजन आप उच्चारित करते हैं उसको उच्चारण करने में अ की मदद लेनी पड़ती है। अ का ही वहां पर क्या होता है, अ को जोड़ा जाता है, तब जाके उसका उच्चारण हम कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं या हलंत इसको कहा जाता है। जैसे क, च, छ, ट, इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तो जो आपको हलंत दिखता है वो हलंत आपको वहां पर नहीं दिखेगा, उच्चारण में आपको पता चल जाएगा और देखने में उसके नीचे से जो हलंत है वो नहीं होगी। री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, जैसे इस प्रकार से कहाँ पर कॉमे मैंने यहाँ पर लगाई है, तो ये री की मात्रा है, ठीक है ना। तो जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रॉ में जो है उसके नीचे से नहीं लगाई जाती है, रॉ में छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से आप लगाते हैं, ठीक है ना। उसके मध्य भाग से आप इस प्रकार से रुपया, जैसे यहाँ पर लिखा है रुचि, रुस्तम, इस प्रकार से। और बड़ी ऊ की मात्रा जब आप रॉ में लगाते हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा, रूप, रूठ, ठीक है। तो ये था आपका स्वर। इसके बाद अयोग वाह की हमने बात जानी। यहाँ पर अयोग वाह में देखिए क्या क्या होता है, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। इसको
कहते हैं जो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होता है। जब किसी, अब देखिए अनुस्वार क्या होता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, आप शिरोरेखा के ऊपर आप इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं तो इसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पंख, रंग, गंध, तो यहाँ पर आपके ये क्या है, अनुस्वार है। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ, क्विक रिवाइज। इसके बाद हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप इसको फिर से यहाँ पर रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुस्वार के बाद अनुनासिक में जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप अनुनासिक कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं तो ये आपका क्या है, अनुनासिक है, और सिर्फ बिंदी लगाते हैं तो इसको कहा जाता है अनुस्वार। तो यहाँ पर देखिए जैसे दांत आप कहेंगे तो आपके मुख और नाक दोनों से जब उच्चारण कीजिएगा इसका, किसका, दांत का या आंख का, अंगूठी का, तो आप फिर इसका देखिए आपके नाक से भी और मुंह से भी क्या होती है, वायु बाहर निकलती है, तो यहाँ पर अनुस्वार। विसर्ग क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण हौ के समान होता है। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द में विसर्ग लगाते हैं तो हौ का उच्चारण लास्ट में आता है, जैसे प्रातः, अतः, तो ये क्या है, विसर्ग है, हौ का उच्चारण किया जाता है, स्वर के साथ नहीं है, अतः, ठीक है ना, अतः प्रातः, तो ये आप हलंत जो है पीछे से विसर्ग जो है इस प्रकार से लगाते हैं। इसके बाद आगत ध्वनि अर्थात अर्ध चंद्र अंग्रेजी भाषा के, देखिए एक तो चंद्रमा होता है इस प्रकार से शिरोरेखा पर, तो ये तो इसका उच्चारण तो कब, किस में होता है, इसका उच्चारण आपका अनुनासिक में होता है, लेकिन जो यहाँ पर देखिए डॉक्टर लिखा हुआ है तो ये डॉक्टर आपका अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखा गया है, डॉक्टर बेसिकली आपका किसका है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसको आपने हिंदी में लिखा है, उसी अंग्रेजी वर्ण को एज इट इज आपने उठाया और यहाँ पर किस में लिखा, हिंदी में लिखा, तो ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर से आप एक चंद्रमा इस प्रकार से लगाते हैं जिसको आगत ध्वनि कहा जाता है। जैसे टाफी हो गया, बाल हो गया, डॉक्टर हो गया और काफी हो गया, ये आपके आगत ध्वनि है। अनुस्वार ये हम पढ़ भी चुके हैं, तो देखिए अनुस्वार क्या होता है, जिसमें केवल नाक से बाहर जो आपकी वायु है निकलती है, अनुनासिक क्या होता है, नाक और मुंह दोनों से जब वायु बाहर निकलती है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर व्यंजन के बारे में पढ़ा था, कंसोनेंट इसको आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, तो व्यंजन के भेद हमने यहाँ, व्यंजन सबसे पहले तो 33 होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको आप बिना किसके उच्चारित नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी व्यंजन को आप उठाइए तो आप उसका उच्चारण क्या नहीं कर सकते हैं, उसका स्वतंत्र रूप में आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो व्यंजन है जब आप उच्चारित करते हैं तो आपको स्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप अ की लें, आ की लें, और से लेके आप किसी भी व्यंजन का आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, उसका सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन के भेद है स्पर्श के आधार पर, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसमें भी आपके इसके भी तीन है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है और कहाँ कहाँ आपके, देखिए व्यंजन जब आप बोलते हैं तो व्यंजन को बोलने में आपके मुख पर आपकी जो जीवा है ना, आपकी जो जीव है वो आपके मुख में कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किसको कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारे मुख में कितने अंग हैं, हमारा जो ये गले का अंदर का भाग है ये आपका कंठ है, और इस अंदर का जो है जिससे आपकी आवाज निकल रही है, इसके बाद आपके मुंह के अंदर जो छत सी बनी होती है पीछे की तरफ वो आपका तालु है, फिर आपका मूर्धा है, और फिर आपका दांत है, दांत के बाहर आपकी होंठ है, तो ये पांच स्थान है हमारे मुख के अंदर। अब जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर भी विभेद किया गया है व्यंजनों को, तो जैसे कि आप जानते हैं पहला आपका क ख ग घ ङ आता है, तो ये आपका क वर्ग कहलाता है, इनके पहला जो इसका क्या है व्यंजन है, वर्ण है, इन्हीं के नाम पर इसको नाम भी रख दिया गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो अब उच्चारण कैसे कैसे हो रहा है, जब आप उच्चारित कीजिए अपने मुंह से, सारे बच्चे करेंगे क ख ग घ ङ कीजिए, सारे बच्चे अपने मुख से आवाज निकालिए और महसूस कीजिए कि आवाज जब आप निकाल रहे हैं तो आवाज आ कहाँ रही है, आपकी जीव जो है कहाँ पर स्पर्श कर रही है। तो देखिए क ख ग, तो आप देख पा रहे हैं आपकी जो आवाज है वो कंठ से आ रही है,
इसलिए इसको कहा जाता है, उच्चारण का जो स्थान है इसका वो कंठ है और इसको कहा जाता है कंठ। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है च वर्ग आता है, च छ झ। तो देखिए कंठ से ऊपर आपके जो मुख है, मुख की जो छत है पीछे की तरफ, वो तालु है। वहां पर आप देखिए जब च छ झ यों आप करते हैं तो तालु को स्पर्श करता है, आपकी जीभ जो है तालु को स्पर्श कहा जाता है, इसलिए इसको तालु या तालव्य कहा जाता है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर तीन जो आपके स्व हैं उनके बारे में भी बताया था। ठीक है, स श और स्व। तो क्या भेद है इनमें, कोई बच्चा बता सकता है इन तीनों स्व में क्या फर्क है, किस चीज में इनका फर्क है? कोई बच्चा जीआईसी जीजीआईसी रामनगर, कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा, इन तीनों स्व में क्या अंतर है? आपको आवाज आ रही है रामनगर से? बेटा हाथ खड़े कीजिए, आवाज आ रही है तो, यदि आपको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। अच्छा माइक ले लीजिए बेटा, माइक ले लीजिए। हाँ चलिए बोलिए, रामनगर से। जी बेटा नमस्ते, क्या नाम है आपका? नहीं चलिए, क्या आप जानते हैं इन तीनों सौ में क्या अंतर है? नहीं जरा जोर से बोलिए जिसमें बेटा। बड़ा शो होता है मजला, हाँ, ये मझला और ये सबसे छोटा, ऐसा ही है? किसी और बच्चे को? चलिए कोई बात नहीं, आप माइक ऑफ कर लीजिए, बैठ जाइए आप। चलिए सुन लेंगे क्या इनमें फर्क है, कहाँ पर इनका अंतर है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कंठ, तालु और मूर्धा की पहले बात बता दूं, इसके बाद हम जाएंगे इन तीनों स्व पे। देखिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से, जब आप इन वर्णों को क्या करेंगे उच्चारित करेंगे तो आवाज आपके कंठ से आएगी। ठीक है, इसके बाद जो च वर्ग है उच्चारण कीजिए आपके तालु, आपकी जीभ जो है तालु को स्पर्श करेगा। ठीक है ना। तो जहां आप च वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं, जहां भी आपकी जीभ क्या कर रही है स्पर्श कर रही है आपके मुंह पे, च छ ज झ यो। ठीक है ना। तो जहां भी आपका इसको स्पर्श करने में, आपकी जीभ स्पर्श कर रही है इन वर्णों को बोलने में, ये वाली जो स्व है ना इसको तालव्य स्व कहा जाता है। कहा जाता है ना, तालवी स्व बोलते हैं, सुना है आपने तालव्य। तो ये जो स्व, इस स्व का जब उच्चारण करते हैं ना आप, तो आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श करेगी। ठीक है, इनको उच्चारण स्थान के अलग पर अंतर है इनका। ठीक है तो ये स्व ही तीनों, लेकिन इनके उच्चारण स्थान से इनकी जो ध्वनियां हैं वो अलग अलग सुनाई देती है। तो जब भी आप इस वाली स्व का क्या करेंगे उच्चारण करेंगे, तो आपकी जो जीभ है आप अपनी जीभ को देखिए, ये क्योंकि च वर्ग है, ये च वर्ग भी तालु को स्पर्श करता है। तो जब भी आप इस स्व की प्रैक्टिस करें बोलने की, तो पहले आप च छ ज झ यों, तो जहां आपकी जीभ तालु को स्पर्श कर रही है वही उसी को स्पर्श करते हुए इस स्व का उच्चारण भी होगा, इसलिए इसको तालव्य स्व कहा जाता है। इसके बाद आपका ट वर्ग आता है, ट वर्ग आपकी मूर्धा को स्पर्श उच्चारण करता है, यानी कि ट ठ ड ढ अण। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये आपकी मूर्धा को स्पर्श करता है, आपके मुंह में जो मूर्धा स्थान है उसको स्पर्श करेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मूर्धन्य। ठीक है, तो चल तो यहाँ पर ये आपकी मूर्धा स्व कहलाएगी, मूर्धन्य स्व इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए जब आप त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो वो आपके दांतों त थ द ध न, तो आप उच्चारण कीजिए, साथ साथ उच्चारण करिए, मुंह के अंदर करिए चाहे तो त थ द, और इसको महसूस कीजिए कि जब भी आप इस त वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को स्पर्श कर रहा है, ना। किस किस का दांतों को स्पर्श कर रहा है, हाथ खड़े कीजिए। पहले आप अपने मुंह के अंदर ही इसका उच्चारण कीजिए, त थ द ध, अपनी जीभ देखिए आपकी दांतों को स्पर्श करते हुए, सारे वर्ण आपके त से ही आएंगे। ठीक है ना। ओके श्यानकोट, खड़े हो जाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हो? माइक ऑन कीजिए, आप अपना ऑन कीजिए पहले मैम माइक। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए कुछ मैम कहना है आपको। आप बार मैम बार माइक क्वेश्चन ओपन रिपीट करके, करो अच्छा ठीक है चलिए मैम। बैठ जाइए आप, दोबारा से मैं बता रही यस हूँ मैम। आपको, बैठ जाइए आप, यस देखिए बैठ जाइए। तो यहाँ पर जो आपके व्यंजन हैं, व्यंजनों के भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है वो स्पर्श व्यंजन है, यानी कि स्पर्श के आधार पर आपके व्यंजन अलग अलग यहाँ पर उनको विभेद किया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श के आधार पर यहाँ पर आपके पांच यहाँ पर वर्ग बनाए गए हैं। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो क वर्ग है आप मुंह के अंदर इसका उच्चारण कीजिए, क वर्ग का मुंह के अंदर सारे बच्चे उच्चारण करेंगे। बोलिए सब लोग एक बार, सारे बच्चे बोलेंगे, बोलिए क वर्ग का। अब आप महसूस कीजिए कि आपकी जो क वर्ग का उच्चारण करने पर आपके अंदर से आवाज कहाँ से आ रही है, आपके कंठ से आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान इसका कंठ है, इसलिए इसको कंठ कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है च वर्ग, च वर्ग आपका तालु को स्पर्श करता है, तो आपके मुंह में जो तालु है उसको स्पर्श करता है, इसलिए इस वर्ग को च छ ज झ यो इसको तालव्य कहा जाता है। इसके बाद आपका ट वर्ग आता है, ट वर्ग में देखिए आप ट ठ ड ढ ण, तो ये आपको मूर्धा को स्पर्श करता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद त वर्ग आता है, त थ द ध न, तो इसको जब आप उच्चारित करेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है, तो इसलिए आपका ये त थ द ध न हो जाता है। अब आप प फ ब भ, तो आप महसूस कीजिए, आप पहले बोलिए उच्चारित कीजिए इसको, तो आप इसका जब उच्चारण करेंगे तो आपके होठों से ये आवाज आ रही है, आपके होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं तभी आपकी आवाज क्या आ रही है, प फ ब भ म। तो इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठ्य कहा जाता है। अब मैंने तीन यहाँ पर सौ की बात की गई थी, तो क्या इनमें अंतर है, मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे कि ये जो तीन सौ है ना, इनमें किस बेस पे आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ये इनका अंतर क्या है, इनमें फर्क क्या है। तो इनके जो उच्चारण स्थान है उसी का फर्क है, इसलिए आपको अलग अलग ध्वनियां निकलती हुई दिखती है। तो जब आप सौ का उच्चारण करते हैं तो आपके तालु को स्पर्श करता है वो, ठीक है ना। जब ये वाली सौ आप, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस वाली सौ को कहा जाता है तालव्य सौ। ये आपकी तालव्य सौ है, ठीक है। इसके बाद इस वाली सौ को जब आप क्या करते हैं, चारित करते हैं, तो इसको कहा जाता है मूर्धन्य। और ये जो सौ है इसको कहा जाता है दंत्य, ठीक है। ये आपकी तालवी सौ, कई बार आपको बता छोटी क्लासेस में बताया भी जाता है तालवी सौ, मूर्धांति सौ, दंती सौ। तो तालव्य सौ, मूर्धा सौ और आपकी दंत्य सौ। तो इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ तालु को स्पर्श करेगी, इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ मूर्धा को स्पर्श करेगी, और इसका उच्चारण करते समय आपके दांतों को स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो ये है आपके तीनों सौ में अंतर। तो ये आपका किसके आधार पर हो गया है, स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिए बेटा, नोटबुक निकालिए सारे बच्चे, बेटा सारे बच्चे नोटबुक निकालेंगे, सब बच्चे नोटबुक निकालेंगे और इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको लिखिए स्पर्श के आधार पर, और इन तीनों को आप लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन, और इस वर्ग को लिख लीजिए। इसके बाद क वर्ग लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखिए, बाकी आप घर में कर लीजिए। इसको क वर्ग लिख करके जगह छोड़ेंगे, और यहाँ उच्चारण स्थान लिखिए, यहाँ प्रकार लिखिए, यहाँ कंठ लिखिए, यहाँ कंठ लिखिए, क वर्ग छोड़ करके आप बाद में कर लीजिएगा इसको, जल्दी से इसको कीजिए फटाफट से। चलिए लिख लिया सब बच्चों ने, हाथ खड़े कीजिए जल्दी से, लिख लिया जीआईसी स्कैन कोड। आप क्या कर रहे हो, हाँ पहले गर्ल्स आपने लिख लिया, बॉयज आप माइक ले लीजिए, बेटा माइक दे दीजिए इन बॉयज को। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये, चलिए पीछे माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका, स्नेहल। ये क्या हो गया, इन बॉयज को क्या होगा, क्यों ये इधर उधर जा रहे हैं, और किसी ने भी नोटबुक नहीं निकाली।
मैम शैतानी मार रहे हैं। इनको माइक दे दीजिए बेटा, माइक ऑन रखिए आप, माइक इनको दीजिए। मैम नहीं पकड़े। क्या नाम है इनका? मैम विक्रम हो गया, मैम करण हो गया, मैम क्रिश हो गया। क्या क्या नाम है इनका? ये तीन बच्चे जो खड़े पीछे बैठे हुए, पीछे कौन? आपके पीछे नहीं, तो साइड में बैठे हुए तीन तीन बॉय। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए मुझे तीनों का जो आप। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए मुझे तीनों का। बैठा था। हाँ मैं आपको नहीं कह रही, मैं देख रही हूँ बेटा यहाँ से, वो तीन जो वहाँ बैठे हुए आपके बगल में। मैम ये दो दो पीछे हैं और एक बगल आगे है, साइड में जो पीछे हो गया है बिल्कुल साइड, हाँ जो छुप चुका है। मैम एक का नाम विक्रम है, मैम एक का नाम करण है। एक का नाम करण है और मैम एक का नाम विक्रम। विक्रम मैम आशीष लिख रहा था, मैम मैं लानी कर रहा। कौन आशु? जिनके पास नोटबुक है मैम वो लिख रही थी मैम। मैम आशीष, करण, विक्रम और आशीष। यस मैम। ठीक है बैठ जाइए आप, चलिए करते रहिए आप। चलिए बेटा आप लोगों ने लिख लिया रामनगर, रामनगर आपने लिख लिया बेटा, लिख लिया सब बच्चों ने। चलिए वेरी गुड, आगे देखिए यहाँ पर हमने अभी देखिए हमने किस पे किसके आधार पर इसको यहाँ पर वर्गीकृत किया है। देखिए व्यंजन भी आपके तीन तरह के यहाँ पर इसको क्या किया गया है, इसका भेद किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन के आधार पर, ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आपका है अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन के आधार पर। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन, तो ये क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह से क्या करती है, स्पर्श नहीं करती है, ठीक है ना। जिस व्यंजन के देखिए जिस व्यंजन को उच्चारित करने में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, जैसे जब आप पॉ बोल रहे थे तो आपके दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, जब आपने ट बोला तो आपकी जीभ आपके मूर्धा को स्पर्श कर रही थी, ठीक है। अब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो पूरी तरह नहीं, यानी कि थोड़ा सा तो करते हैं लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यंजनों को क्या क्या कहा जाता है, अंतःस्थ। हौ का भी उच्चारण आएगा क्योंकि बीच में क्या लगा है, यहाँ पर विसर्ग लगा है, अंतःस्थ व्यंजन इसको कहा जाता है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, य र ल और व। कौन कौन से आते हैं, य र ल व, ठीक है। तो इनको भी आप लिख लेंगे हेडिंग डाल के, और ये तो आपको समझना है, इतना कुछ आपको लिखना नहीं है, बस आप य र ल लिख लीजिए, ठीक है। जिन व्यंजनों को आप मुख से जब निकालते हैं तो आपके जो मुख का जो भाग है वो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, उसको कहा जाता है य र ल व, ठीक है। तो स्पर्श तो कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है जब आप इनका उच्चारण करते हैं। अब तीसरा यहाँ पर उष्म व्यंजन था, क्या था, उष्म व्यंजन। तो गर्म, उष्म का मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है ना, गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है, खाकर क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, उनको क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन में आपके देखिए ये आते हैं तीन, ठीक है ना, ठीक है, स श श स ह, ये आपके किस में आते हैं, उष्म व्यंजन में आते हैं, ठीक है। और इन तीनों स्व को मैंने बताया था, इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग भी होता है, ठीक है ना, उच्चारण स्थान भी इनका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए हमने दो बेस पर यहाँ पर क्या किया था, इनका वर्गीकरण किया था, इनका भेद किया था। अब श्वास मात्रा के आधार पर भी आपके यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन है, क्या क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसको लिख लेंगे आप, अल्प प्राण और महाप्राण तक, ठीक है। और आगे हम कल की क्लास में इसको व्यंजनों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर भी लेंगे, ठीक है ना। तो अल्प प्राण और महाप्राण, और इसमें भी आपके हम नेक्स्ट क्लास में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में आपके जो संयुक्त व्यंजन है इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, अल्प प्राण क्यों कहा जाता है व्यंजन को, इन व्यंजन को, और महाप्राण क्यों कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मात्रा के आधार पर आपके ये भी दो, इसके क्या हैं, दो भेद हैं। एक पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, आगे आपको ये जो है काम आएगा, इसको आप अच्छे से लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और इसको फिर समझ भी लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और जीआईसी सियानकोट से जिन बच्चों का नाम लिखा गया है, आप एक बार माइक ले लीजिए, करण, विक्रम और आशीष, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर लेंगे, ठीक है, माइक ऑन करेंगे, आप माइक ऑन कीजिए बेटा। आपका क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम, विक्रम। विक्रम, क्या बात है विक्रम बेटा, आप थे, मैंने देखा है आपको, मैं आपकी वीडियो दिखाऊं अभी मैम, आपको क्या लग रहा है, कुछ दिख नहीं रहा यहाँ से, सब दिख रहा है, आप लास्ट तक थे, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, दो और हैं, क्या दिक्कत है बेटा आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, अभी तो आपकी आवाज बिल्कुल ऐसे आ रही जैसे आप बहुत ही सिंसियर बच्चे होंगे, और अभी तक जो आप क्लास में कर रहे थे वो, क्या दिक्कत है, आपका नाम? किरण कुमार। करण, विक्रम, करण, आशीष और थर्ड आशीष। अच्छा, आपका नाम आगे दिया जाए या फिर कल से आप अच्छे से बैठेंगे और प्रॉपर लिखेंगे? हम अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, फिर आज आपको मौका दिया जा रहा है, नहीं तो कल से फिर आपके मैं बच्चों से पूछूंगी आपकी आवाज, ठीक है, और आपके नाम तो वैसे भी यहाँ आ चुके हैं, ठीक है ना? यस मैम। चलिए बैठ जाइए आज, और कल से ये हरकतें मत कीजिए, चलिए बैठ जाइए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।